हाँ ना चलते हैं। रविंद्र घोरपड़ी पानी जो बताएला है वो पानी पंची फूट बोला गया है दो इंच हो बाबा साहेब सैयद मोहम्मद सैयद राणा वडगाव खानपट्ट्या जवळ आता तुम्हाला दोन इंच पाणी लागलं ना ते पाणी दाखवू तुम्हाला मी आता कसं आहे हा त्यांचा मुलगा पाण्याच्या पाक्या आम्हाला तीन दाखवल्या एक आहे ना 85 फुटावर लागले पाणी एक 160 आणि एक 280 वर लागलेलं आहे परंतु सगळ्यात जास्त पाणी वरच्या पाकीवर लागले ते किती लागलं ते तुम्हाला दाखवतो हा त्याचा फ्लो आहे पाण्याचा फ्लो त्यांनी 2 इंच दाखवलं पण आपल्याला प्रत्यक्ष आता जास्त चालतंय पण पाणी 2 तासानंतर 1.5 इंच कंटिन्यू चालतं हे दिवस चांगलं चालतं हे दिन मी या दिवसात हा उन्हाळ्याचा परेड आहे 26 एप्रिल हिंदीतून 26 एप्रिल आजची तारीख आजच्या दिवशी एवढं पाणी चालतं 26 एप्रिल आजच्या दिवशी एवढं पाणी चालतं आणि थोडं कमी होतं ना परत 1.5 इंची कंटिन्यू हा 1.5 इंची कंटिन्यू चालतं भर उन्हाळ्यात 1.5 इंची चालतं पण असं आत्ता आलं हां हां आजूबाजूला आता सध्या गोड गोड पाणी गोड पाणी शिवून पाय रे राजू बाकी आता पण एवढं बोर घेते असं पाणी कुठंच नाही लागलं बा पहिले बार एवढं पाणी लागलं आतापर्यंत आम्ही शेतात 3 बोर घेते कुठंच नाही लागलं पाणी आतापर्यंत हा 4th बोर आहे आमच्या शेतामध्ये प्रत्येक बोरला 1 इंचाच्या पुढे पाणी लागत नव्हतं पण याला 1.5 इंच पाणी लागलं आणि ते कंटिन्यू चांगलं परमेश्वराला धन्यवाद पाणी आणि गोड पाणी मांग धुके आता रात्रीचा दिला दिल्यामुळं हा काही व्हिडिओ बनवता आला नाही हा बोरचा पॉईंट मी रात्री दिलेला आहे 8:30-9 वाजता बोरचा पॉईंटचा व्हिडिओ बनवला नंबर आहे का पण आता काकाचा नंबर आहे का मोटर सोडलेली आणि ती मोटर सोडल्यामुळं आम्ही पाणी पाहायला आलो होतो लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा मी ठीक आहे पानी कैसा चलता है पानी कंटिन्यू चलता है पानी अच्छा है 1.5 इंच तो 1.5 इंच कंटिन्यू अभी फिलहाल तो वो 3 इंच का पानी इधर की पानी दिखाने को आया था तो ये देखो फनक कैसा नीचे देखो इतना बड़ा स्थिति इनका पानी का पॉइंट उधर दिया था उसको पानी लगा ये देखो ये बाम्बू का ये पूरा स्थिति तो ये थोड़ा ये बहुत हरा भरा रहता है स्थिति में हर किसान खुश रहता है स्थिति में पानी रहेगा तो बहुत खुश रहता है आपके पास बाम्बू का बाग लगा है अपन 2 एकड़ लगा है अभी इसको 1 साल हो गया है अभी 1 साल में वो कम से कम उसने फुटवा 2 या 3 4 5 ऐसा एक एक का फुटवा हुआ है हर जगह पे हम 2 वराडे का आ गया है वो मिक्स हो गया है दो दो वराडे का ये देखो 1 2 3 4 5 नया कोम्ब्यावर उसको आ रहा है एक तोड़ने के बाद चार आते या 5 भी आते हैं उसके अभी इसका पहला साल है अगर पहले और 1 साल के बाद में पूरा बाग टूटेगा उसके बाद में इसका उत्पन्न हर साल को 3 से 4 लाख रुपये मिलता है एकरी यानी ये अपना इधर बारिश कम है अपने पास तो भी अपन ठिबक करके उसको पानी देने का देखो दोस्तों एक ठिबक के नली डाल के इन्होंने बाम्बू के पेड़ को पानी दे रहे हम पेड़ छोटा था जब अपन सोयाबीन का पीक लिया इसके अंदर बीच में सोयाबीन का पीक भी आता है अंतर्गत पीक लिया सोयाबीन का उसके बाद में तरबूज का लिया ना भी 10 घंटे घास भी था अभी तक ये खत्म हुआ है अभी पेड़ बड़ा होगा तो अंदर कुछ नहीं लगा सकते ये देखो ये आम का पेड़ आम की खेती देखो दोस्तों बहुत एक किसान पानी है तो खेती है ये देखो पानी के वजह से कितना हरा भरा है आपके पास 10 घंटा लगा है ये देखो इनका साग का बाग उधर है 10 घंटा लगाया वो
सब वैरायटी के आम है यहाँ पे। इस साल क्या हो गया, मौसम खराब है इसलिए सब झाड़ को फल नहीं आया है। हाँ मौसम, लेकिन आता है नहीं क्या? देखो बड़े बड़े पेड़ एकदम जबरदस्त है। देखो ये पेड़, देखो नीचे के फल, देखो पेड़ नीचे कह रहे हो सब झाड़ को कह रही आ गई नीचे वाले। देखो दोस्तों,